ताकि वीडियो के मैं जरा ना दुनिया के सब तो खूबसूरत तरीन नज़ारा दिखावा था इंशाल्लाह तो चार सासी वीडियो देख के इन टाइम सारे इंडिया के गाँव जितने भी नजर आते पैन विलेज सारा इंडिया टोटल इतना आ के बढ़िया जबरदस्त फीलिंग्स आनी पी मतलब इतने इंडिया को इतने क्लोजली मैं पहली दफ़ा दिखा है। वैसे वाघा बार्डर से भी पहले मैं दिखा ही लेकिन उतना थोड़ा जहाँ सीन भी आई इतना थोड़ा सीन भी आई इतना बगैर बार्डर के बस सिर्फ ये दरिया है बस दरमियान है बस बाकी सारा इंडिया के गाँव को बिल्कुल करीब तो देख सकते हैं। नाश्ते वास्ते अंडा आ गए प्लान थोड़ा जहाँ चेंज थी कि ऐसा नाश्ता कर गए वक्त में इंशाल्लाह प्लान दसेना तो ये विशारदा दा बाजार ते असा हुणी टाइम सीन कुछ ये है कि असा इतों हुण वापसी करने पे मुजफ्फराबाद इस्लामाबाद आले पास असा वणना ये केल ते अड़ंग केल लगा लेकिन वो सब हूँ इतों के मकामी लोगों दस है कि वो बड़ा बारी पर उन्हें बिल्कुल बंद है हद तो ज्यादा उन्हें रिस्क है तो वन कोई फायदा कोई सिर्फ इतों गाड़ी के पैसे भरे सो तो बस उतों वन के तुम सही हो जाए बाजार ही देख सो बई उतों तक विछे देखने को ना मिलसी तो असा अपना प्लैन चेंज किया वो दिन गर्मी आई सारे इलाके तुस बगैर टेंशन के फिर सकते सर्दियों बस इ बर्फ ये देखो हर पास फुलम फुल बर्फ पहाड़ा तो उत्ते थले मकाना के उत्ते अच्छा ये ना थले कमरिया के बीच भाप आई हुई होंगी उत्ते उन्हें के धुएं का धुआं इतों बहरों निकलता है उत्तों हर इवें घर के बीच उन्हें उत्ते वो देखो धुएं का सिस्टम बहरों निकलने का निजाम रखा हुआ है पूरा मसीन वत कुछ ये बन गए कि असं वत इतों वापसी करें पे हैं असं भी समझो शारदा नीलम वैली आजाद कश्मीर तक आए हैं तो इतना घूमे फिरे हैं थोड़ा बहुत जितना असं हसबे इस्तात घूम फिर सकते अस वो असं इतना घूमे फिरे हैं बाकी रहते हुए एक दफा ही सारे सीन को एक दफा ही मैं देख गिनू कैप्चर कर गिनू क्योंकि उड़े ये चीज़ा बिल्कुल को नहीं तो इन चीज़ों को बड़ा मिस करे तुसा ना समान चाह के आ वो गाड़ी अच्छ मैं उतना ही मिलता पाया ठीक है गाड़ी हाल समान अपना सारा चुक के ले आए सही आनंद ओके मैं गाड़ी को सारा मार अंदर बहूँ इतना टेम्परेचर नेगेटिव 6 है इन टाइम चाबी की चाबी तो अब्दुल्ला को दी अभी आमसी चाबी की दी अब्दुल्ला को कार दी खोल चला खोल बस हूँ सारा समान समान सारा गड्डी के बीच रख के तो निकलते पे अच्छा गाड़ी के उत्ते भी बर्फ जमी खड़ी है ना ये देख ओए होए 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 रात इतना खड़ी रह गई ना बाहर में उत्ते थोड़ी थोड़ी बर्फ जमी खड़ी है हाल ही तो इतना बर्फबारी थी को नहीं खड़ी 5-6 तरीक के बाद थी होनी है आज मेरे ख्याल 3 तरीक है तो अब जिस टाइम बर्फबारी इतना थी सी बात इतना मजीद यानी कि सिस्टम गड़बड़ हो सी पीछे असं इत तक जित तक आए खड़े हैं शायद अपनी गाड़ी तो इत तक भी ना आ सकूँ हाँ क्योंकि सारा ये रोड ये जितना भी रोड है ना ये बर्फ नाल बंद थी मैंने गाड़ी बात गाड़ी स्लिप करेंगी इतों जो लोकल गाड़ियाँ ना जिम्मे कि खड़ी है पिछू जीप ये जीपें ही बात इतना कामयाब है सारिया ये गाड़ियाँ बिल्कुल नाकाम है इतना बिल्कुल नाकाम है गर्मी है चल बताई आ सकती है बर्फ ना हो बिल्कुल तो बस गुजारा कर वैसे चलो जी चल पे हैं ऐसा तस्वीर बनाए खड़े क्योंकि जो सूरज निकला खड़ा है ना सूरज की ये व्यू बड़ा खूबसूरत आता पिया ये बात इन्हें रुक गए ने मुफ्ती जो ना तस्वीर ना रही नहीं पिया मजे की तस्वीर नहीं बनती पी तो मत अच्छा व्यूज ये वो जगह जितना कल सारी ना गाड़ी फसी है सामान पहले ले गए गाड़ी तो वो सामने उतना थोड़ी जी गहरी जगह भी है तो उत्थ पानी भी तेज होंगे वाला बिच बर्फ है ना सारी जड़े के थले इतना गाड़ी वाला स्लिप कर पी ना ना बिचों टपो पे थी वैसे छिन्ने हाँ ठीक है ठीक है इतने कार कितने तले लह गई बीच पानी में कल तो ये पानी उतना खड़ा ही आज थोड़ा जहाँ जिका खड़ा आज तो वैसे वो उत्ते दिखे बिल्कुल तू सीधी चढ़ा पर तू सीधी चढ़ा सीधी 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 हाँ ये सीधा आवन डे उडू ना खीन मान चलो अच्छा ठीक आ गई हूँ वैसे आज इतनी ज्यादा बर्फ कौन है आज बीच भी बैठे रहूंगा टप कौन है कल तो सलीप मारा खड़ा ये गाड़ियां इस्तेमाल थी नहीं अगर
ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਆ ਵਣੇ ਨਾ ਸੜਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਲੇਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਫ਼ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇੱਕ ਦਿਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਬਸ ਅਗਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਥੀ ਵਣੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਵਾਰ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥਾਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੀਲਮ ਵੇਲੀ ਗਰਕੇਲ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਲੋਕਲ ਆਬਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋਣੇ ਇਹ ਪਾਸੋਂ ਵਾਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਹਾੜ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਡੂ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਬਰਫ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਇੱਡੂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਪਾਉਂਦੇ ਟਰੈਕ ਇੱਡੂ ਸੂਰਜ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗਾ ਮੰਨ ਕੇ ਵੱਤ ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਰੋਂ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸਾਂ ਚੱਲਦੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਸਾਰਾ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗਾ ਮੰਨ ਕੇ ਈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਇੱਡੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਹੋਸੂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਰਾਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸੀਨ ਕੈਪਚਰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਥੀ ਸਕੇ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲਾਈਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸਮਝੋ ਸਾ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਵੀ ਦੇਖ ਗਏ ਸੀ ਮੀਆਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਫਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ 12:04 ਮੀਆਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਆਖਣ ਹੈ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਜਾਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੋਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੀਆਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸਭ ਮੀਆਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਖਵੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੁਣ ਬਸ ਨੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਪਰਲੀ ਤਰਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ अच्छा ठीक है शुक्रिया जब व्यूअर्स हूँ अस आ गए हैं इतना क्योंकि इतना नेट शेट है को ना से चेक कर ना से संगे लेकिन हूँ इतना ये लाइन ऑफ कंट्रोल उत्ते अस वधे परला पहाड़ जड़ा है ना ये सामने वाला ये इंडिया है ये बिल्कुल सामने वाला अगो चौके शौके भी आसन उन्हें झंडे शंडे भी आसन वो भी तो लिखे ने चलो भाई आज 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 व्यूअर्स अस इतना रुक गए हैं इतना बाकी ये पता कोनी के वीडियो बनावन अलाउ है या कोनी लिहाजा थोड़ा जा टरक्या खणा ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਆ ਇੱਡੂ ਪਿੱਛੋਂ ਫੌਜੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਧਣ ਥੇ ਉਹ ਕਿ ਨੂੰ ਫੜ ਨਾ ਲੈਣ ਬਈ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਕੜਾਈ ਕਿ ਫੋਟੋ ਲੈਣਾ ਮਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖੀਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗੋਂ ਲੋਕ ਕੇਰਨ ਫੋਰੈਸਟ ਲੋਜਸ ਬਣੇ ਖੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਲੈ ਖੜੇ ਇੱਡੂ ਹੀ ਪਾਸੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੋ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਕਾਇਦਾ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ LOC ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ LOC ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕਦੇ ਪਏ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪਰ ਇੰਡੀਅਨਸ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਾਨਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥੇ ਇਸ ਇਦੋਂ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੇ ਬਾਨ ਕੇ ਬਾਨਦੇ ਪਏ ਪਤਲਾਏ ਤੈ ਕੋ ਮੈਂ ਪਰਾਂ ਭੁਗਾ ਛੋੜੂ ਇਥੋਂ ਮਤ ਉਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਥਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਇਥਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਥਿੰਦੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਇਥਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਪਾਸੋਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਅਰੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਟੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਇੱਥਾਂ ਧੁੱਪ ਛੁੱਪ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਬਲਕਿ ਜੇ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਖੜੇ ਨਾ ਉਹ ਤੱਕ ਜੁਲਦੇ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਤੱਕ ਇੱਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਂ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਇੱਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਇਹ ਦਰਿਆ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਯਾਰ ਇਹ ਦਰਿਆ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਪਰੋਂ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਪਰੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਝੰਡਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਸਨਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਅਬਾ ਅਜਦਾਦ ਦਾ ਵਤਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਦੇ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਦੇ ਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਬਣਾ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਧਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟ੍ਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਸਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵੰਜਣ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ੀ ਥੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਹੀ ਚਾਹ ਸੀ ਪਈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਇੱਡੂ ਦਰਿਆ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨਸ ਵੱਧਣ ਉਹ ਟੁੱਟਦੇ ਵੱਧਣ ਉਹ ਦੇਖੋ ਹਾਲ ਬਈ ਮੀਆਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਚਾਹ ਸਾਂਦੀ ਪਈ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਕਿਤਨੀ ਹੀ ਸਖਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਵੀ ਸਖਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕਸ਼ਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕੇਅਰ ਲਿਫਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੀਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਪਰਾਂ ਵੰਜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿਤਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ
खैर ये चीज कुंदाम शुरू रह गए यार मैं इधर खड़ा हूं साथ में ये जा पई है जी देख इटू अगर इने एक बंदा लगा वने हां तो ने फोटो में खड़े अल्लाह दा बंदा उठा रे के वो देख सामने इवे उन्होंने चौकियां बनी हुई हैं रे देख फौजी उसे लुला दे बता ये सामने ये वाली चौकी है ये घर टाइप बनी खड़ी है ने सारे नाल जड़ा बुजुर्ग बता ना मियां अब्दुल्ला उंदा आखणे कि ये जड़े पाकिस्तानी झंडे ना पिछो इन ये हवा नाल हलदे खणे तो जड़ा वो सामने इंडियन झंडा खड़ा वो बिल्कुल हवा नाल कोनी हलदा खड़ा तो वो आदे ये चीज निशानी है कि पाकिस्तान हक ते लॉजिक सार जाते अपने आउने अच्छा ये सामने ना इंडिया दा ये सैर तफरी वाले लोग आए वदन वो बिल्कुल सामने सारी तस्वीरें बने देखने सारे साकू कैप्चर करने देखने सलाम का सलाम मिला हाथ लेने हेलो सलाम ठीक या दूर तू ए इशारे करने खड़े है जे पिछू इंडियंस भी आए खड़े घूमन फिरन तो सारा बड़ा रूह थींदा खड़े गप छप लूँ लेकिन ला नहीं सकते क्योंकि सारी आवाज़ उत्तक नहीं पहुँची दरिया का शोर है तो उतू टर्के बहुत खड़े हैं ज्यादा जोर तो बोलूँ तो बड़ा ही नहीं वे ये फूल इन रूह है गप छप लूँ बाबा तुला तय क्या कहने सलाम कर सलाम कर खिलदा खड़े खुश थिया खड़े अच्छा वो लोग ना वो सामने वाले बिल्कुल सारिया वीडियोज तस्वीर हर चीज़ बने देखने पता नहीं ऐसा नहीं उन्होंने कैमरे उन्होंने जो तस्वीर आई ना वो देख पास या ना वो तो घर वहीं की देख से व्हाट्सएप नंबर दे देने हैं अपना क्या व्हाट्सएप नंबर दे देने कहीं ना कहीं मैं दूं बाहर ना बस बाय बाय करके तो निकलते पे हैं क्योंकि आगे इस्लामाबाद पहुंचने खैर ही जगह पे बैठ के इतना अरे कुर्सियां शुर्सियां पे बैठ के मजा बहुत ज्यादा है सब इंशाल्लाह एक ही मंजिल का अपना बाय 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 ऐसा मैं पे नाराज ना थी भाई जल्दी क्यों लगे गए साग पहले बाय बाय कर देना बाय बाय पर उन्हें सब बिल्कुल ही बाय बाय किए थे ऐसा ही उन्होंने बाय बाय कर दिया घर में पे तो मतलब तो ये चीज़ जाया थी कि लोगों की आपस में बिल्कुल कोई नफरत को नहीं एक कुछ पता नहीं बस सियासत की नजर थी आपे कोई समझ नहीं आती बार लोगों का आपस में कोई मेरे ख्याल तक इतनी नफरत को नहीं इतना मजा बहुत है बार खैर हूँ अस निकले वे वापिस ये एल ओ सी व्यू पॉइंट रिजॉर्ट ही सारे इतना झूले छूले बच्चे पार्टी मैं ज़ारा ना सन अपनी बेगम को इंशाल्लाह तो गर्मी आज गई ना सन इंशाल्लाह क्योंकि मैं कोई जगह बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है चलो भाई चलो 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 आ गई चलो जी हाँ बस चलो बाबा कल्ला आंदा बंदे बात अस रस्ते लै खड़े हैं अस थोड़ा जहाँ इंडिया का मजीद नज़ारा करो सामने इंडिया है तले वाह सामने तक गेम खेलते खड़े मैच खेलते खड़े तोली आया खड़ा हो गया बहरहाल मैं कोई इतना क्लोज तो इंडिया को देख के बड़ी खुशी चाहिए तो चाह सही है हूँ वापस से गड्डी बह के तो निकलने लगे हैं आज के 6 मिनट थी गन सुबह तकरीबन 9:15 के 9:30 बजे से निकले आसे जी शारदा है चू ते हुन असा नॉन स्टॉप चले कहीं भी कोने रुके बस ही में हल्का फुल्का जी में होंदे आकर इतना सपारे बंदा थक पोंदे गाड़ी में के लता सीधे करण वास्ते रुक रह गए थोड़ा जिया भारत कोई रिठा से रस्ते बाकी असा हुन इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं हुन सारा डायरेक्ट ब्रेक के खाने ते खाना से कितू खाने पे मुफ्ती साहब F10 दे विच कोई मुफ्ती साहब कोई फतवा दिता है उत्तर कोई होटल है उत्तर खाने देसी क्योंकि सुलेमान सनल अज वादा किया है कि अगर तुम मेरे को 10 बजे पहले इस्लामाबाद पहुंचा देगा तो खाना मैं वैसा लिहाजा खाना तो खाना भी मियाँ सुलेमान तो अस सुबह नाश्ता करके निकले अस नाश्ते के बाद हूँ रात कोई खाना खाते पे 12 घंटे बाद भुखे फुल बदे हैं लिहाजा हूँ खाने के अलावा कोई गाल ना थी सी मियाँ सुलेमान ही है ना बिल्कुल हाँ बस हूँ डायरेक्ट सारी ब्रेक जहाँ को पहले दसना आई ना ताके वो अपने रेडी करें
हाल बाबा किवें रह गए सफर सही रह गए क्योंकि रस्ते इतने बिल्कुल चुप लगाया इतना जितना हिला दे उतना तरीका सही गप शप लेने मुफ्ती साहब हम फैसला करे भी असा किशे मंगा बनी क्या फैसला किया फैसला कोई ऐसी चीज है जो बिल्कुल मुफ्त हो खाली दुआएं अच्छा फिर ठीक खलूस वाली हाँ बस आप ऐसा करें 1.5 kg ना देसी मुर्गा करें मक्खन में जाते हाँ मक्खन में जैसे हमारा ये बंदा बैठा है ना मक्खन वाला इसी तरह मक्खन में करें 1.5 kg अमशी देसी मक्खनी देसी मक्खनी लड़ाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लालम कड़े इकबाल चलो जी खाना तो सारा चट कर गए मुफ्ती मुनीब साहब हाले तक खाना बैठे क्योंकि उन टाइम बिजी थी इन्हें वास्ते रहता अद्धा किलो से मंगाइए हूँ जल्दी मुका ताकि तू निकलूँ तो व्यूअर्स आज तो जरा फेमस डायलॉग है ना कई बंदे सागो आज दिता है कहीं भी गाल अगर जवाब हाँ चवे ना इन्हें मतलब पाकिस्तान आखते हाल कितने देर लैसे 10 मिनट इन्हें मतलब पाकिस्तान आखते मियां सुलेमान दा बजट तो आउट बन के मिल मियां सुलेमान ही टाइम मियां सुलेमान ही टाइम सीरज दर दे मियां सुलेमान जल्दी जल्दी मैं को फ्लैट पे पूछो हां गोली का सीन जरा खराब थी यहां पे मियां सुलेमान खैर है यार हूं तो इतनी बारी पहले ऑफर चली थी मैंने खाना कहा ऑफर 5000 दे हूं यूं है 5000 दे सब बोलो 10000 4000 उतर लगे हुआ समय सुलेमान को वापस चलो चक्कर है नहीं लेकिन ये कम से कम खाने दे पैसे पूरे तू पे कर क्योंकि तैं आखा ही मखवे सा 5000 तक वेला तैं आखा ही 10 बजे तैं आखा 10 बजे तक पुजो 5000 दा खाना खवे सा असा तक 9 बजे पुजे कम से कम या या आख दी तो ए जे 5000 नाल मैं 5 हफ्ते गुजार गिन 5 हफ्ते गुजार गिन वही खाना खाना नाम देते कुचा बना मन बंदे हैं लजे उस जो यार चलो बाबा हुन तसा घर वन के ठाने फ्लैट ते या घर जिथा मैंने ते चाय शप एक दफा पीसम मैं ताफ दे दफा बाकी दा नहीं पता पीछे बस सम वे सु इंशाल्लाह चाह पींदे टोपी से चाह देखो मिलने जो नहीं पहले ही तुम मैं तो कोई तो पीछे